धौलपुर जिले के बाड़ी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों को शादी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ कर फरार हो जाते थे। इस मामले में पुलिस ने गिरोह की दो महिलाओं और एक व्यक्ति को पकड़ा है। गिरोह के सदस्य पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पकड़े गए गिरोह ने कई राज्यों में शादी के नाम पर दर्जनों लोगों को ठगा है। पुलिस के अनुसार बाड़ी थाना इलाके के परशुराम कॉलोनी निवासी बनवारी शर्मा ने 28 फरवरी को मामला दर्ज कराया था। इसके अनुसार जनवरी में इस युवक से कुछ लोगों ने संपर्क कर उसकी शादी करने की बात कही और 1,80,000 रुपए मांगे। इसके बाद इन लोगों ने उसकी शादी फर्जी दुल्हन से तय करवा दी। शादी की तारीख 18 फरवरी तय की गई और बनवारी से तय राशि ले ली गई, लेकिन बाद में पीड़ित को पता लगा कि उसकी कथित पत्नी सुनीता दरअसल एक गिरोह की सदस्य है जो पश्चिम बंगाल में हुगली की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस ने जांच की और सुनीता और मामपी हलदर से तीन लोगों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी शातिर बदमाश हैं जो कई राज्यों में विवाह के नाम पर ठगी का व्यापार करते हैं। गिरोह में आधा दर्जन सदस्य सक्रिय हैं जिन्होंने कई राज्यों में शादी के नाम पर दर्जनों वारदातें की हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।